मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी खुशकिस्मती ही कामयाब हुई है, किस्मत की वजह से कामयाब हुए हैं, क्योंकि इस किस्म का कंसेप्ट हमने कहीं काम करते हुए तो देखा है नहीं। तो मुझे लगता है कल्याणी जी काफी रिसर्च माइंडेड हैं, और एपिडेमिक ने और कोरोना ने घर बैठ के कुछ करने के लिए हमें सिखाया भी है हम सबको। तो उसी के तहत इन्होंने रिसर्च करते करते अचानक एक दिन इनका ध्यान गो फ्यूल पे गया। लाइक फैशन डिजाइनिंग हो गया, पार्लर्स हो गए, ये सब चीजों में जा रही थी। एंड पेंडेमिक में सबने सीख लिया घर पे ही करने का। सो मैं उस लाइन को तो मैंने साइड पे ही रख दिया, ये चाहिए ही नहीं। तो मुझे ऐसा देखते देखते ये गो फ्यूल मुझे एक किसी ने बोला तो मुझे इमिडिएट, मतलब उसके अलावा वो देखने के बाद मुझे ऐसे स्ट्राइक हो गया। एक तो मुझे एज अ हाउस वाइफ मैं फुल टाइम नहीं दे पाऊंगी, एंड मैन पावर भी इतनी जरूरत नहीं है इसके लिए। सबसे बड़ा कोई भी बिजनेस है, सबसे बड़ा टास्क हैंडल करना इज लाइक मैन पावर को हैंडल करना। तो इस बिजनेस में मुझे बहुत ये चीज अच्छा लगा, मैन पावर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आया इसके लिए। एंड ये डोर स्टेप्स में कन्वीनियंस बिजनेस में तो यही बढ़ रहा है आजकल सब चीजें। जैसे एक्चुअली हम वेमेन भी बाहर जाके जो शॉपिंग करते हैं या मॉल्स जाते हैं, सब कुछ बंद हो गया, सब कन्वीनियंट होके घर पे ही ऑर्डर कर लिया। तो ये भी मुझे लगा कि इसके भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, इसीलिए इस बिजनेस को मैं करना चाह रही हूँ। जरूर जरूर होंगे इसमें, जरूर होंगे, और मैं चाहती हूँ भी और भी आए इस फील्ड में, करे इसको आगे बढ़ के। और एक लिंक और हमें मिला कि ये गो फ्यूल जो है वो चेन्नई बेस्ड हाँ कंपनी है, चेन्नई। एंड मेरा काफी सालों से फिल्मों में के दौरान नाता रहा है। साउथ की अलग अलग 3-4 भाषाओं में काफी सारा फिल्में की हैं। तो आदित्य भाई हमें तेलुगु मिल गए। हाँ जो दूसरे इनके अधिकारी हैं या जो होल्डर्स हैं वो तमिल हैं, तो उनके साथ भी बड़ा कम और ये सब हो गया, तो बड़ा हमें भी भरोसा भी हो गया उनके ऊपर। तो कल्याणी कैन स्पीक एंड शी इज फ्रॉम बिलोंग्स टू साउथ, तो बड़ा अपनापन और बड़ा विश्वास मिल गया। तो हम लोग इस, क्योंकि हमें तो कोई जानकारी है नहीं इस किस्म की बिजनेस की, तो पर इन पे भरोसा हुआ, इनकी कंपनी पे भरोसा हुआ, और इन्होंने जो दिखाया कि क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ थैंक्स टू द मीडिया फॉर कवरिंग द इवेंट। एंड जो हम गो फ्यूल अभी जो कंपनी है, हम चेन्नई से हमने शुरुआत किया है। वी स्टार्टेड इन फरवरी 2021, और उसके बाद वी एस्टैब्लिश्ड इन क्वाइट अ फ्यू रीजंस इन द साउथ। हमने हैदराबाद में एस्टैब्लिश किया है, बैंगलोर में वी डू अ लॉट ऑफ डिलीवरीज, एंड देन नाउ वी आर एक्सपैंडिंग इन टू अदर रीजन्स लाइक मुंबई इज वन, एंड देन वी आर ऑल्सो गेटिंग इन टू द नॉर्थ ईस्ट इन गुवाहाटी. We're getting into Salem, we're getting into Vijayawada. So in the next 4 months, we have plans to, spread our wings across these geographies. और रही बात कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करने की, आई थिंक दिस इज वन सच इनिशिएटिव, इसीलिए हम लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए हमने मीडिया को यहाँ पे इनवाइट किया है, ताकि लोग जाने कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट अभी मुंबई में आया है और पीपल कैन स्टार्ट ऑर्डरिंग इट। एंड सेकेंडली, हमारा एक आर्डेंट सोशल मीडिया टीम है, वर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का मार्केटिंग काफ़ी हद तक चल रहा है, और बहुत लोग वो वाले कॉन्टेंट को ज़्यादा देखते हैं ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस। तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग ड्राइव हम शुरू करेंगे, जो भी सिटी में हम लॉन्च करते हैं, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन, वी डू अ सोशल मीडिया कैंपेन, एंड दैट विल गो ऑन थ्रू आउट द ईयर कस्टमर्स को आने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, there are also various, like on bulk orders there are discounts or there are bonuses or there are loyalty points given to customers, taki hum ye ek create karne ka koshish kar rahe hain ki ek ecosystem ban jaye. jaise ki aap dekhoge ki agar aap koi swiggy ke andar ya fir ek big basket ke andar ya fir ek amazon flipkart ke andar aap ek bar ghus gaye to wo un aapko wahi pe rakhte hain, kaise bonus points denge aapko, offers denge, discounts denge. so gofuel is also creating a technology ecosystem in such a manner that ek baar aap customer ban ke register ho gaye to aapko kafi sare benefits milenge if you continue as a customer. so we need the approval of PESO, which is petroleum and explosive safety organization. to unke approval ke bina ek gaadi road pe chalegi bhi nahi. to wo is tarah se wo gaadi ka pura monitoring karte hain, aur rather checks karte hain ki there is no spillage possible and there is no or rather there is no way wherein fire can get in or any accident can happen as long as the fuel is being transported in a closed truck. so it is completely safety tested and approved by
a government organization like PESO, and only then the vehicle is allowed to carry fuel on the road. Aur uske alawa, through GoFuel, we have kept sensors. So, jaise ki humne tank ke andar ek sensor hai, cabin ke andar ek sensor hai, jo agar, whichever the franchisees or GoFuel, you can monitor the quality of fuel or the quantity of fuel inside the tank. You can even, you know, check whether the truck is moving, at what speed the truck is moving. कहीं पे ज़्यादा time रुक गया है कि नहीं, delivery कर रहा है कि नहीं. So there is a whole lot of technology wherein you can monitor the truck. So one is the technology aspect and second is the PESO aspect. So these two together make the truck a very safe way to transport diesel. जैसे कि हम अभी diesel on demand diesel delivery हम कर रहे हैं. वैसे वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन हैविंग एन ऑन डिमांड चार्जिंग सोल्यूशन. सो जस्ट इमेजिन दैट यू हैव एन इलेक्ट्रिक कार इन समर, यू स्टक ऑन द रोड और वहां पे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है. सो थ्रू आर GoFuel सुपर ऐप, जो एक GoFuel पे आप डीजल भी ऑर्डर कर सकते हो, ईवी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, चार्जिंग सोल्यूशन भी कर सकते हो. सो वंस यू ओपन अ GoFuel सुपर ऐप एंड यू कैन यू नो मार्क योर लोकेशन एंड प्रॉब्ली आर a charging station will come to you and charge your car wherever you are. So that's a future plan that we're looking at. So we're very excited and with the support from the government, with the electric initiatives, I think the future is very bright in fuel distribution.